डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर इन सी प्रोग्रामिंग। तो गाइज, ऑल दो ये टॉपिक भी बहुत सिंपल सा है, लेकिन ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम, इवन इंटरव्यूज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें मैं आपको इसी एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइज, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया है तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट में हम कैसे शो करते हैं प्लस प्लस, और डिक्रीमेंट आपने देखा होगा इस तरीके से माइनस माइनस हम लोग लिखते हैं। लेकिन इसको प्लस प्लस और माइनस माइनस को, मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को लिखने के दो तरीके हैं। मतलब इसके अंदर भी एक तरह से आप कह सकते हो कि दो ऑपरेटर आ गए, एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है पोस्टफिक्स। क्या होता है? प्रीफिक्स और एक होता है पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब क्या है? प्रीफिक्स का मतलब होता है कि आपको ये ऑपरेटर कहां पे फिक्स करने हैं। ये फिक्स करने हैं आपको ऑपरेटर जो है वो वेरिएबल से पहले, प्री मतलब पहले, और पोस्टफिक्स का मतलब क्या है कि ये जो भी आपके दो ऑपरेटर हैं ये आपको कहां फिक्स करने हैं, ये आपको फिक्स करने हैं वेरिएबल के बाद। ठीक है, तो वेरिएबल के बाद जब हम लगाते हैं वो बन जाता है पोस्टफिक्स, वेरिएबल से पहले जब हम लगाते हैं वो बन जाता है प्रीफिक्स। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, कैसे आपका एग्जांपल जो है वो बनेगा, तो मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। लेट्स से मेरे पास ए की वैल्यू जो है वो इनिशियली मैंने 5 ले ली। ठीक है, ए मैंने यहां पे डिक्लेयर किया और उसको इनिशियलाइज कर दिया विद द वैल्यू ऑफ 5। तो प्रिंट एफ कर रहे हैं ए को, सिंपल है, कुछ भी नहीं किया, प्रिंट एफ किया है ए को, तो 5 मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, प्रिंट एफ प्लस प्लस ए, तो आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा कि ये प्रीफिक्स है, ये पोस्टफिक्स, ये प्रीफिक्स है, क्योंकि ए जो है वो वेरिएबल है और उसके प्री पहले हमने क्या फिक्स कर दिया, ऑपरेटर प्लस प्लस। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आप कैसे निकालोगे, इसके इंटरनली एक तरह से दो आप कह सकते हो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है प्लस प्लस ए, मतलब क्या है कि वैल्यू को इंक्रीमेंट करो बाय 1। प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, एक बढ़ा दो, एक वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर दो। तो a इज इक्वल टू a प्लस 1 होगा पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में क्या होगा, यूज करो a को, यूज करो a को, मतलब अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट करो, किसी और वेरिएबल ने a की वैल्यू को यूज करनी है, जो भी काम करना है यूज दूसरे स्टेप में करेंगे, पहले हम इंक्रीमेंट करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। तो यहां पे पहले अगर इंक्रीमेंट करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस 1, मतलब 5 प्लस 1 क्या हो गई, 6। तो पहले तो a की वैल्यू क्या हो गई, 6। यहां पे आप एक तरह से कह सकते हो कि वैल्यू जो है वो 6 हो चुकी है, अभी प्रिंट ही हुई, अभी हो चुकी है, पहले स्टेप के अंदर वो वैल्यू ऑलरेडी 6 हो चुकी है। अब उसका करना क्या है, उसका करना है जी हमने प्रिंट एफ, तो प्रिंट कर दोगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 6 प्रिंट कर देगा, बहुत जरूरी है। देन यहां पे हमने फिर दोबारा ए की वैल्यू 6 किया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ए की वैल्यू यहां पे 6 जो है वो प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद माइनस माइनस ए, अगेन वही प्रीफिक्स आ गया, माइनस माइनस ए का मतलब क्या है कि पहले स्टेप में ए की वैल्यू 1 कम करो, पहले 1 कम करो, और दूसरे स्टेप में आप ए की वैल्यू को यूज करो, जहां भी यूज करना है, प्रिंट में यूज करना है, कहीं भी यूज करना है, किसी और वेरिएबल ने करो, तो पहले ए की वैल्यू को 1 कम कर दो। तो ए की वैल्यू कितनी है, 6, 1 कम कर दो होगी 5, यानी ए की वैल्यू कितनी होगी जी, 5 हो चुकी है ऑलरेडी। अब उसको क्या करना है, प्रिंट करना है, तो कर दो जी, कितनी वैल्यू आ गई, 5 यहां पे प्रिंट हो जाएगा मॉनिटर पे, और ये स्टेप तो सिंपल ही है, ए की वैल्यू दोबारा प्रिंट कर रहे हैं 5। ये एक्चुअली बीच में दोबारा दोबारा क्यों प्रिंट कर रहे हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा जब हम पोस्टफिक्स यहां पे करेंगे। तो आई होप कि प्रीफिक्स आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं जी पोस्टफिक्स के ऊपर। पोस्टफिक्स में स्टार्टिंग में वही ए की वैल्यू 5, यहां पे ए प्लस प्लस, पोस्ट है, पोस्ट का मतलब क्या है कि हमने यहां पे प्लस प्लस बाद में लगाया है। तो प्लस प्लस के केस में पहले क्या कहता है कि आप यूज कर लो ए की वैल्यू को, ए की जो भी वैल्यू है उसको पहले यूज कर लो, उसको प्रिंट करना है प्रिंट कर लो, किसी और वेरिएबल ने यूज करना है कर लो, यूज कर लो, उसके बाद आप उसको मतलब एक तरह से क्या कर दो, जो भी इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट जो भी करना है फिर वो चीज जो है वो परफॉर्म करो। तो यहां पे जैसे ही आपने प्रिंट एफ ए प्लस प्लस, मतलब ए की वैल्यू को यूज कर लो, ए की वैल्यू कितनी है जी, ए की वैल्यू 5 है, तो उसको यूज कर लिया प्रिंट एफ ने, प्रिंट एफ ने यूज करके प्रिंट कर दिया, तो ए की वैल्यू जो है वो 5 प्रिंट हो गई,
प्रिंट हो चुकी है, मतलब ये लाइन ए की वैल्यू को 5 प्रिंट कर देगा, लेकिन साथ ही साथ स्टेप टू जो है वो इंटरनली चल गए, और वो इंटरनली चल के क्या कर देगा, ए की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट कर देगा। मतलब स्टेप 1 ने पहले ही प्रिंट कर दिया और स्टेप 2 इंटरनली चल गया। अब आपको लगेगा सर वो इंटरनली चल गया, बट पता कैसे लगा? उसको पता लगाने के लिए हमने नेक्स्ट लाइन में दोबारा फिर ए की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट लाइन में दोबारा ए की वैल्यू को प्रिंट किया, कितनी प्रिंट होगी? 6। क्लियर है? तो प्रिंट एफ यहां पे हमने ए को यूज कर लिया, पहले ही स्टेप में यूज कर लिया, यहां पे स्टेप 2 में यूज कर रहे थे, यहां पे पहले ही ए की वैल्यू को यूज करके प्रिंट कर दिया 5। लेकिन इंटरनली स्टेप 2 भी तो होगा ना, इंक्रीमेंट तो होगी वैल्यू, क्योंकि दोनों स्टेप तो होंगे, लेकिन वो स्टेप आपका इफेक्ट कहां पे करेगा? यहां पे इफेक्ट नहीं करेगा इंक्रीमेंट, नेक्स्ट लाइन में वो इफेक्ट हो जाएगा, और कितना प्रिंट हो जाएगा? 6। ऐसे ही आपको बस यहां करना है, ए माइनस माइनस, ए की वैल्यू कितनी है अभी आपकी? ए की वैल्यू 6 हो चुकी है, तो पहले उसको यूज कर लो, यूज मतलब उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है ना, यूज कर लिया, प्रिंट एफ ने उसको प्रिंट कर दिया। लेकिन स्टेप 2 क्या था? डिक्रीमेंट, वो डिक्रीमेंट इंटरनली अपने आप हो गया, लेकिन वो यहां पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए मैंने दोबारा से फिर जब ए को प्रिंट किया तो वो डिक्रीमेंट होके कितना हो गया? 5। तो दिस इज हाउ यू हैव टू यूज द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ये तो भैया सिर्फ आगाज है, ये तो सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट आपको बताया है। इसके ऊपर इतने क्वेश्चंस आए हुए हैं, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे, तो आप नेक्स्ट वीडियो में कुछ एग्जाम्पल इससे रिलेटेड सॉल्व करेंगे। थैंक यू।